हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के फिजिकल के बारे में। फ्रेंड्स, अभी हाल में ही आपने एग्जाम दिया है, 17 तारीख को आपका एग्जाम था बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, रिटन एग्जाम था और आपने एग्जाम दिया है। मैंने इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बनाया है, वो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। तो इस एग्जाम में क्या है, पहले प्रीलिम्स का एग्जाम है जो कि रिटन आपका एग्जाम था ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर इसके बाद इंटरव्यू है और उसके बाद अगर बात करें तो फिजिकल का एग्जाम है। तो मैं इसमें बताऊंगा कि आपके फिजिकल में क्या क्या चेक किया जाएगा, आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप फिजिकल के लिए फिट है कि नहीं, ये इन सभी पॉइंटों को आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेल और फीमेल का दोनों बताऊंगा। ओके, तो मेजरमेंट की अगर बात करें तो अगर आप ST कैंडिडेट है, शेड्यूल ट्राइब से हैं, अगर हाइट का बात करें ना, तो अगर आपका हाइट जो है 152.5 सेंटीमीटर से अप है या उतना है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, बिहार फॉरेस्ट रेंज के लिए आप अपने हाइट्स को मेजर कर भी सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको ऐसे भी निकाल दिया जाएगा, आपको नहीं सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये आपका हाइट का क्राइटेरिया है ST कैंडिडेट्स के लिए। और अदर्स का अगर बात करें, हाइट अदर्स के लिए शेड्यूल कास्ट हो, जनरल हो, OBC हो, तो उसके लिए क्या है, EWS हो, उसके लिए 163 सेंटीमीटर हाइट मांग रहा है। कितना, 163 सेंटीमीटर। चेस्ट का अगर बात करना फ्रेंड, तो चेस्ट कैटेगरी में क्या मांग रहा है, देखिए चेस्ट कोई भी कैटेगरी हो, SC हो, ST हो, OBC हो, BC हो, आपका EWS हो, जनरल हो, तो उसके ऑल कैटेगरी का चेस्ट जो मांग रहा है ना, 79 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर, बट आफ्टर एक्सपेंशन ना 5 सेंटीमीटर आपका क्या होना चाहिए, एक्सपैंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्सपैंड होना चाहिए। वॉकिंग जो है ना फ्रेंड्स, वॉकिंग कितना करना है, पैदल चलना कितना है, 25 किलोमीटर आपको चलना है 4 घंटा में, ये आपका क्या है, वॉकिंग, वॉकिंग करना है आपको। इसमें आप दौड़िए, चलिए, जो करना है आपको करिए, लेकिन 25 किलोमीटर आपको 4 घंटा में तय कर लेना है। अगर हम फीमेल का बात करें ना फ्रेंड, तो फीमेल का क्या क्राइटेरिया है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का, उससे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, हाइट अगर बात करें तो ST अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करती हैं तो आपका 145 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। अगर आप अदर्स हैं, कोई भी हो, UR हो, OBC हो, EWS हो, SC हो, ST का तो मैंने बता दिया 145 सेंटीमीटर, अगर SC हो तो आपका हाइट कितना होना चाहिए, 150 सेंटीमीटर, इससे कम रहेगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और लड़कियों का जो है, फीमेल्स का वॉकिंग क्या कितना होना चाहिए, पैदल चलने का 14 किलोमीटर 4 घंटा में आपको क्या करना है, पैदल चलना है, पैदल चल के आपको निकालना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है आपका बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बारे में मैंने बताया, मेल और फीमेल का। ओके, तो अभी जल्दी ही आपका क्या आएगा ना, आपका रिटन का एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद।